हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टेप अप ट्यूटोरियल। आज मैं निकिता आपके सामने करंट अफेयर्स लेकर आ रही हूँ जो 30 अप्रैल से लेकर 6 मई तक के हैं। लेकिन उससे पहले मैं आशा करती हूँ आपने हमारी पुरानी वीडियो को अच्छे से देखा होगा और समझा होगा और वो वीडियो आपके काम आई होंगी, क्योंकि करंट अफेयर हमें कई एग्ज़ामों में देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि बैंक, JKSSB, SSC और कई अन्य एग्ज़ामों में। तो चलो फिर अब हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्पेशल 301 रिपोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज रिलीज्ड बाय विच कंट्री। जो स्पेशल 301 रिपोर्ट है जिसे रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है, वो किस कंट्री ने रिलीज़ की है? एंड द करेक्ट आंसर इज़ USA। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द वेन्यू ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस 2022। क्या वेन्यू है कॉन्फ्रेंस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस 2022 का? एंड द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एन एडिशनल फंडिंग ऑफ ₹820 करोड़ फॉर विच बैंक टू एक्सपैंड इट सर्विसेज। यूनियन बैंक कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं फंडिंग ऑफ 820 करोड़ किस बैंक के लिए टू एक्सपैंड इट सर्विसेज? एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द फर्स्ट एयरलाइन इन एशिया टू यूज़ द गगन सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम ड्यूरिंग लैंडिंग। कौन सी फर्स्ट एयरलाइन ऑफ एशिया रही है जिसने यूज़ किया है गगन सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम ड्यूरिंग लैंडिंग? एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिगो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज़ किया है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे को? एंड द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच इंडियन स्टेट इज़ द फर्स्ट टू सेट अप अ जीन बैंक प्रोजेक्ट। कौन सी इंडियन स्टेट है जिसने पहला सेटअप रखा है जीन बैंक प्रोजेक्ट का? एंड द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच इंडियन बैंक लॉन्च द ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर MSMEs। किस इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर MSEs? एंड द करेक्ट आंसर इज ICICI बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द मंडेटा डॉक्यूमेंट फॉर नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क। किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है मंडेटा डॉक्यूमेंट फॉर नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क? एंड द करेक्ट आंसर इज यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द वेन्यू ऑफ द सेमिकन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022। क्या वेन्यू है ऑफ द सेमिकन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का? एंड द करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज हैज बीन लॉन्च अंडर विच स्कीम। तो नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज के लिए बनाया गया है, वो किस स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द पायलट फेज ऑफ द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है विद द पायलट फेज ऑफ द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स? एंड द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज की है रिपोर्ट ऑन करेंसी और फाइनेंस? एंड द करेक्ट आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अ कॉमेमोरेटिव कॉइन टू मार्क द बर्थ सेंटेनरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉज अनाउंस्ड रिसेंटली। ही वॉज अ बिजनेसमैन एंड मिनिस्ट्री इन विच स्टेट? एंड द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द मद्रास हाई कोर्ट हैज इनवोक्ड द पेरेंट पेट्रियार्क ज्यूरिडिक्शन टू डिक्लेयर विच एंटिटी एज अ लिविंग बींग। मद्रास हाई कोर्ट ने इन्वोक्ड किया है पेरेंट्स पेट्रियार्क ज्यूरिडिक्शन टू डिक्लेयर विच एंटिटी एज अ लिविंग बींग। एंड द करेक्ट आंसर इज मदर नेचर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच कंपनी लॉन्च M15 पेट्रोल विद 15% ब्लेंड ऑफ मेथन विद पेट्रोल एंड द करेक्ट आंसर इज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. क्या रैंक है इंडिया का इन द RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में एंड द करेक्ट आंसर इज 150. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया साइंड अ पैक्ट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स एंड एग्रीड टू वर्क ऑन AI स्टार्टअप्स विद विच कंट्री. इंडिया ने साइन किया है पैक्ट ऑन ग्रीक हाइड्रोजन टास्क फोर्स एंड एग्रीड टू वर्क ऑन AI स्टार्टअप्स विद विच कंट्री एंड द करेक्ट आंसर इज जर्मनी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथनॉल प्लानट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी. इंडिया का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथनॉल प्लांट किस सिटी में या स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है एंड द करेक्ट आंसर इज बिहार. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट. किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट एंड द करेक्ट आंसर इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ज्वाला इज अ स्पेशल लोन स्कीम लॉन्च बाय विद स्टेट गवर्नमेंट. ज्वाला एक स्पेशल लोन स्कीम है जिसने किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है एंड द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी ट्री होप हैज बीन अनाउंस्ड बाय विद स्टेट और यूटी. इंडिया का पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी किस स्टेट और यूटी ने अनाउंस की है एंड द करेक्ट आंसर इज ओडिशा. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आफ्टर द मई 2022 मीटिंग ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी व्हाट इज़ द रिवाइज रेपो रेट. मई 2022 की मीटिंग के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की क्या रिवाइज रेपो रेट है एंड द करेक्ट आंसर इज 4.40%. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द इंडिया कोस्ट गार्ड कमीशन इट्स सेकंड एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन एट विच प्लेस. इंडिया कोस्ट गार्ड ने कमीशन किया है सेकंड एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन एट विच प्लेस एंड द करेक्ट आंसर इज कोच्चि. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इंडियाज फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैज़ बीन सेटअप इन विच सिटी. इंडिया का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस सिटी में सेटअप किया गया है एंड द करेक्ट आंसर इज हैदराबाद. हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच स्टार्टअप रिसेंटली बिकम द 100th यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया. कौन सा स्टार्टअप रिसेंटली बना है 100th यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया एंड द करेक्ट आंसर इज ओपन. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. स्टे कनेक्टेड स्टे ट्यून्ड.